हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज बेसिकली ऐसे ही राउंड पे निकले हैं मैं और मेरा दोस्त। तो मैंने सोचा कि एक व्लॉग शूट कर लूँ, वीडियो कर लूँ अपलोड करने के लिए। तो अभी मैं हूँ बस स्टैंड पे, पेंजिम बस स्टैंड, और अभी हम जा रहे हैं ओल्ड गोवा। ओल्ड गोवा जा रहे हैं ना? तो ओल्ड गोवा चर्च के पास जाएंगे। हाँ, मेन चर्च को थोड़ा ऐसा ही एक राउंड मार के आएंगे, क्या बोलता? तो मेन चर्च के पास जा रहे हैं। सेंट सेबेस्टियन कौन सा, क्या डब्ल्यू ढूंढने जा रहा है क्या? डब्ल्यू 10 करोड़ भी देख के आएंगे फिर। सेंट सेंट जेवियर्स चर्च के पास जा रहे हैं। ये भाई मेरा, एक्चुअली हम सुबह में दोपहर में शूट करने वाले थे, ये इसने धोखा दे दिया है। मैं आपको उसका चेहरा दिखाऊंगा थोड़ी देर में। इंटरेस्टिंग चेहरा है, थोड़ा देखने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। ये बंदा गया है क्रिकेट खेलने, वो भी मारगांव, और बोल रहा है कि आ जाओ, वीडियो ब्लॉग भी हो जाएगा शूट। मैं निकला, मैं 3 बजे निकला हूँ और मैं बांबोलिम पहुँचा हूँ। बाम्बोलिम में पहुंच के मेरे को बोल रहा है कि मत आ, हो गया मैच खत्म। मैं बोला सही है, इसमें पूरा बैटरी खत्म खा लिया मेरे। तो मैंने उसको बोला कि बाबा खत्म हो गया है तो आ जा फिर। अभी अभी 7 बजे आ रहा है वो, 7 बजे, अभी 7 बजे बोल रहा है कि ओल्ड गोवा फिर गएंगे। तो मैं ठीक है, चलो वीडियो कंटेंट बनाना ही है तो मैं चलो बना लेंगे बोला। कैसा था रे मैच? हाँ, मैच कैसा अच्छा क्यों? वाला मैच रहेगा बोल के। हाँ, कितने विकेट निकाला कैच ड्रॉप, इस बार? बॉलिंग मिली क्या नहीं मिली कैच ड्रॉप तेरे, मतलब मेरे वो ओवर तेरे ओवर में? हाँ, मतलब ओवर, 3 ओवर मिले? कितने ओवर मिले? हाँ, क्यों ओवर दिया? पहला देता था ना, तेरे को बोलने लगा था मैं कैच ड्रॉप करना। एक फील्डर के छाती को थाप हो गया तो बॉल नहीं गया। हाँ, अगर से कह रहे जा रहा था पर हाँ, बॉल नहीं दिखाई दिया उसको, वो हाँ, एकदम छाती पे दिया। यहाँ पे छाती पे लिया। हड्डी रहती थी हड्डी हाँ, पे लिया, अयो जिस जाके आया है उसको। इधर से लूं, लेफ्ट, पूरा लेफ्ट ले लूं, पूरा लेफ्ट ले लूं ना? इसमें वीडियो में कुछ ब्राइटनेस की वजह से नहीं दिख रहा है इधर। हाँ, अरे कौन गया? सही है। अरे क्या हो रहा है बोल, अभी तेरे को कैमरा दिख रहा है? कैमरा दिख रहा है? ये देख, लाइटिंग है जो है, देख ये जो लाइटिंग है ना, उसकी वजह से वो थोड़ा वीडियो क्वालिटी बहुत खराब नहीं दिख रही? हाँ ये नरे हाँ, तेज आ रहे हैं। रेज आ रहे रे, तो इसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। कैमरा, मोबाइल, तेरे मोबाइल में भी वैसे ही आ रहा है क्या? देख, इसको एक काम कर, ये स्क्रीन ना प्रॉपर दिख रही नहीं है तो। तो अभी ये हम रायबंदर की रोड पे लगे हैं। तो ये रायबंदर से होके हमको जाना है ओल्ड गोवा। तो अभी 73% बैटरी बचा है, आराम से जाके आराम से आ जाएंगे अगर फास्ट भी गए तो, लेकिन अभी इतनी फास्ट जाने की जरूरत तो नहीं है। कितना किलोमीटर होगा यहाँ से? एक अभी देख, हम लोग 2.5 किलोमीटर टू होगा पॉइंट फाइव किलोमीटर अभी हो गया है बस स्टैंड से। कितना है वो? फोर्टीन ऑलमोस्ट, 8 या 10 किलोमीटर। 8 to 10? नहीं रे, मेरे को ज्यादा लगता। नहीं, 8 किलो, 8.5 किलोमीटर।
हो सकता है, देखेंगे ना, अभी चेक करेंगे ना। चेक हो जाएगा ना, रेंज टेस्ट बस स्टैंड टू बोल को। यो ये तुम लोग के नहीं ना, ये ऐसे बसेस है इसके, इरफान के। नहीं तेरे ही वे ना, है कंपनी तेरे ही वे वो। तो अभी हम पहुंचे हैं रायबंदर क्रॉसिंग है, लेफ्ट साइड में रायबंदर, राइट साइड में चिमला, स्ट्रेट ओल्ड गोवा। तो ओल्ड गोवा के रास्ते में हम निकल चुके हैं। ये अच्छा हाईवे होता है मेन, ये आगे एक मॉल है जो अभी आपको अभी नहीं दिखेगा, ये V2 मॉल बोल के था, जो कुछ कितने साल के लिए खुला था ये V2 मॉल। तो हाँ नहीं, वो तो अभी जब तक चलेगा तब तक चलेगा, वो चल रहा है, चालू तो है वो, पहले चालू पूरा था ना, पहले पूरा ओपन था ना, अभी भी पूरा ही ओपन है। पहले वो बोले तो पूरा फ्लोर वो V2 मॉल को जाएगा, हाँ वो बाद तो वो में गया नहीं है, खाली 3 फ्लोर दिया हुआ है। 3 फ्लोर ही दिया है। तो जो मॉल के बारे में बात कर रहे थे वो मैं आपको मॉल दिखाता हूँ, और सामने ही है वो एक बिल्डिंग जो आपको दिख रही है यहाँ पे, वो है ये वाली। ये एक्चुअली पूरा दिया था ना लेकिन पहले, हाँ अच्छा पहले V2 मॉल था, बीच में बंद होने वाला था वो V2 मॉल। डिपार्टमेंट ऑफ आर्काइव्स, तो अभी 5.5 किलोमीटर हो चुके हैं। और क्या बता वो क्या है, साले 59 है क्या वो, हाँ है क्या वो, अयो 59 साले रहते। अच्छा उसका जीजा कौन तू, उनका जीजा कौन तू, अच्छा अयो 59 साले के यहाँ पे एक जगह मिलने होना है। इधर जीता नहीं इंसान। अरे हाँ, एक हाँ प्रॉपर्टी है, हाँ 18 15 18 हजार पर स्क्वायर फुट। हाँ 15,000 स्क्वायर मीटर अच्छा तू लेता, तू लेता। 2000 रोड टच प्रॉपर्टी, इधर नहीं, हाँ धारगाव है, मोपा एयरपोर्ट रोड, हाँ रोड टच प्रॉपर्टी 2000 स्क्वायर मीटर, 2,000 स्क्वायर मीटर 2000 स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर मीटर, 18 हजार पर स्क्वायर मीटर। जिसको चाहिए कमेंट डाउन गाइस। हाँ तो कांटेक्ट करना है मेरे को, मैं आपको बता दूंगा कांटेक्ट पर्सन। वो सब डालेगा देखता हाँ हूँ, मैं डाल रहा हूँ। नहीं बट अभी अरे छोड़ बेबा। हाँ तो अभी ये इरफान कुरैशी का पेट्रोल पंप आ रहा है, नाम लिया मैं, इरफान कुरैशी का पेट्रोल पंप आ रहा है, इसके 5 बसेस है इधर। मेरा पेट्रोल को पा रहा, मेरे हाँ पास पसंद है कंपनी हाँ तो को दिए, कंपनी हाँ को एक मुझे नहीं करने देता हूँ, एक भी भी बस नहीं है जा। है ना, वो देख वो देख वो देख वो देख वो देख वो देख वो बस ही उधर है, उधर बस ही। अब मैं जाके दिखाऊंगा, पहले मैं दिखा कर जाता हूँ, इधर से लूंगा मैं। ये देखो गाइस इरफान कुरैशी के 4-5 बसेस, पचार नहीं अभी बाकी पैसा है भाई पैसा। ये देखो 4 बसेस ऑन ड्यूटी पे है और और एक, और एक फ्री है, तो सोचो क्या बिजनेस चल रहा है इसका ऑफ ऑफ सीजन में, सीजन ऑन सीजन है सीजन सीजन चल रहा है, और बहुत थर्ड क्लास बिजनेस चल रहा है इरफान का। गाइस अभी हम ऑलमोस्ट ओल्ड गोवा पहुंचने आ रहे हैं, ओल्ड गोवा पहुंचने आ रहे हैं, और विंड नॉइस शायद ज़्यादा आ रही होगी। तो अभी यहाँ से हमको लेफ्ट लेना पड़ेगा, अगर राइट लोगे तो ओफुंडा के लिए रास्ता निकलता है, वहाँ से सीधा हम लोग जा सकते हैं, और यहाँ से हमको ओल्ड गोवा जाना पड़ेगा। तो मैं आपको ओल्ड गोवा ऑलमोस्ट पहुँच गए हम लोग, तो आपको मैं आपको दिखाता हूँ कि ओल्ड गोवा कैसा है। तो ये हम ओल्ड गोवा अभी
एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंच गए हैं। यहाँ से अभी लेफ्ट लूँगा तो ये गांधी सर्कल है, और ये अभी पहुंच गए लेफ्ट मारा तो आज मड़गांव में क्या मड़गांव हुआ? में था। ट्रैफिक बहुत था, तो ये कौन सा है? बॉडी है बेसिलिका बॉडी बॉडी है। और यहाँ क्या है? है, वो चर्च है जिसमें वो म्यूजियम। एंटिक पीसेस वगैरह सब। यहाँ पे भी है कि तो यही है बेसिक वीडियो। अगर आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल माविया व्लॉग्स। और आपको मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।